ispred pressures pade hue hain karzon ke governance ka wo level leke aaye investment dispute ka asal issue mujhse hai wo pakadte hamesha mere doston ko एहतसाब के जो इदारे हैं वो किसी हुकूमत के ना ताबे हैं ना माताहत हैं। अगर हम चोरों डाकुओं को ना पकड़ सके तो क्या हक है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पाकिस्तान में हुकूमत करने का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ सुमैरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मुल्की मुआशी सूरत हाल से। एक तरफ तो गवादर में तीन रोज़ा एशियाई पार्लिमानी असम्बली कॉन्फ्रेंस में 26 ममालिक के 100 से ज़ायद मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं और गवादर जो कि दुनिया भर में अब अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तजारती मरकज़ भी है और यहीं से वस्ती एशिया और मशरक वस्ती के अलावा यूरोप तक जो है तजारती सरगर्मियों को बूस्ट भी मिलेगा जो पाकिस्तान की मईशत पर ज़ाहिर है मस्बत तरीके से असरानंदाज होगा और पूरे एशिया की इकतसादी खुशहाली का मौजब भी बनेगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म भी मुल्की मईशत को स्टेबल करने के लिए मुख्तलिफ मालिक के साथ मुआहदे कर रहे हैं, चाइना का विजिट कर रहे हैं, वहाँ से भी रिलीफ पैकेज एक्सपेक्टेड है और मलाइशिया के साथ भी मुआहदे होने जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में हम बात करेंगे और दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि अपोजिशन क्यों अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही, मौलाना फजलुर रहमान का जो इस्तराब है वो कम क्यों नहीं हो रहा, एपीसी का एजेंडा क्या है कुछ क्लियर नहीं हो रहा और आज मियां नवाज शरीफ साहब ने भी एपीसी में शमूलियत का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। शुरू होने से पहले ही मुमकिन इत्तेहाद जो है वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज इसके अलावा हम बात करेंगे कि इदारों में जो दरपेश मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, शिकायात हैं उन्हें दूर करने के लिए आज एक पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के नाम से ऐप जो है वो मुतारिफ़ करवाई गई है, कितनी मुआवन होगी आवाम के लिए और इदारों की तस्हीह के लिए भी, इस पर भी हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगी। सर इशाद अहमद आरिफ सर प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है, सर आपको वेलकम करती हूँ। इजहारुल हक साहब भी प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे, इसके अलावा चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, रहीमुल्ला यूसुफ़ई साहब भी सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद है, सर आपको भी वेलकम करती हूँ, सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे, आप सबको वेलकम करती हूँ। रहीमुल्ला यूसुफ़ई साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। सर 26 ममालिक के मंदोबीन जो है वो शिरकत कर रहे हैं इस एशियाई पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में और इस वक्त सर पाकिस्तान को यकीनन ज़रूरत भी है मुआशी लिहाज से कि दीगर ममालिक के लिए एक एतमाद की फ़िज़ा जो है वो कायम की जाए कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकें, पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल जो है वो एतमाद कर सकें। सर कितनी अहमियत की हामिल है ये कॉन्फ्रेंस मईशत में बेहतरी के लिए और रीजनल जो इशूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए? देखें, गवादर में कॉन्फ्रेंस होना एक बड़ी बात है। गवादर के बारे में लोग सुनते तो हैं लेकिन वहाँ पे लोग गए नहीं हैं। जब बाहर से मंदूबीन आएंगे, गवादर जाएंगे तो ख़ुद अपनी आंखों से देख लेंगे कि ये वाकई एक बड़ा मंसूबा है, काफ़ी काम हो चुका है और मज़ीद काम होने जा रहा है, तो इसकी एक अलामती हैसियत भी है। और जो हमारी मनसूबाबंदी है, चीन की मनसूबाबंदी है, तो उसके बारे में ज़ाहिर है इनको ये मालूमात भी देंगे और पाकिस्तान ज़ाहिर है ये जो मंदूबीन आए हैं इनके ज़रिए इनके मुल्कों को, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दावत दी जाएगी कि वो भी सीपैक का हिस्सा बने या यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। तो अब ये है कि ये तवक्कुआत कहाँ तक पूरी होंगी ये तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जब लोग गवादर जाएंगे और अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर है, लोग आ सकते हैं जा सकते हैं, तो ये एक उनका एतमाद बढ़ेगा। सही। लेकिन मेरे ख़्याल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और गवादर की सही जो उसका पोटेंशियल है उससे फ़ायदा उठाने में वक्त लगेगा। बिल्कुल सही। यानी कि ये टाइम बीइंग ये लॉन्ग टर्म है, ये जो भी मुआहदे हो रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके जो भी आउटकम आएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए। चौधरी मंजूर साहब, चाइना के साथ जो मुआहदे हैं और सीपैक जिसे एक मुआशी ब्रेक थ्रू भी कहा जा रहा है, जरदारी साहब ने कहा कि इस पौधे को दरख्त बनाने में उनका भी हाथ है, तो मौजूदा हुकूमत आप क्या समझते हैं दुरुस्त सम्त में जा रही है सीपैक की पॉलिसीज को लेकर और इसकी सीरियसनेस को लेकर? जो एटीट्यूड एक गवर्नमेंट का होना चाहिए इस तरह के अहम मुआहदे को लेकर क्या वो है? ये कॉन्फ्रेंस कितनी मुआवन साबित होगी? अच्छा देखिए, पहले तो सीरियसनेस की बात करते हैं, तो इसको देखना चाहिए, ये बेसिकली जो मंसूबा जो परसीव किया गया था वो ऐसे नहीं था जैसे इसको बनाया गया,
اور اس کو ضرورت سے زیادہ پاکستان کی سابقہ حکومت نے اس کو بہت زیادہ تشہیر کی جس کی ضرورت نہیں تھی، اس پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت تھی. مثلا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو انہوں نے الٹ میں تبدیل کر دیا، $35 ارب اٹھا کر بجلی کے پرانے جو منصوبے یا کارخانے ان پہ ڈال دیا، اور $11 ارب کی آپ نے انفراسٹرکچر رکھا. اس کو الٹ ہونا چاہیے تھا. جو ایکچوئل ڈیزائن میں جب زرداری صاحب نے یہ سارا نیگوشیٹ کیا تھا تو اس میں واٹر چینلز تھے، اس میں ٹرین تھی، اس میں روڈ تھی، اس میں فائبر آپٹکس تھی، اس میں الٹیمیٹلی ایک آئل پائپ لائن کا پروجیکٹ تھا، یہ ساری چیزیں اس میں تھیں. اب یہاں پہ بھی آ کر انہوں نے بھی تھوڑا سا اس کو غیر سیریسلی لیا ہے. مثلا جب چائنا کے وزیر خارجہ بالکل پیک تھا ان کا دورہ، تو وہاں پہ فائنینشل ٹائمز کے اندر یہاں کے وزیر تجارت کا انٹرویو چھپتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کام کو ایک سال کے لیے روک دینا چاہیے. میری معلومات یہ ہیں کہ ابھی تک جب سے یہ حکومت آئی ہے کوئی ایک ڈالر جو ہے وہاں سے ریلیز نہیں ہوا، کوئی کام نہیں ہو رہا، اسٹیل میٹ ہے، کام رکا ہوا ہے. سو جب یہ وزٹ پہ جائیں گے وزیر اعظم صاحب، اور اس فائر فائٹنگ جا کر آرمی چیف نے چائنا میں کی کہ ان سے بات کی کہ نہیں ایسی نہیں ہے، جو گارنٹیز ہم نے دی ہوئی ہیں ہم ان کو فلفل کریں گے، تو یہ ابھی کانفیڈنس کا ایشو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ کانفرنس بالکل امپورٹنٹ ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ گوادر کے اندر تھوڑا سا مجھے جو میری معلومات ہیں ابھی تک ایشوز چل رہے ہیں. مثلا پانی کا وہاں پہ مسئلہ حل نہیں کیا گیا ابھی تک، وہ ایک پلانٹ لگنا تھا پانی کا وہ نہیں چل سکا جو سمندر سے. بجلی ہم ایران سے لے کر وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، بجلی کا بھی پلانٹ جو ہے وہ نہیں چل سکا. سو وہاں پہ روڈز ہیں لیکن اس طرح کا ابھی انفراسٹرکچر نہیں ہے جس میں لا کر ہم دکھا سکے. لیکن پھر بھی وہ انیشیلی چیزیں دیکھیں گے، شاید جو بندہ انویسٹمنٹ کرنے آئے گا وہ لانگ ٹرم سوچے گا کہ اگر یہ اس پہ اتنا فوکس ہے تو اس میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں وہ فیصلہ کن ہوں گے کسی بھی انویسٹمنٹ کے لیے. ٹرائی تو ہر کسی نے کی، ہر حکومت نے کی پچھلے کئی سالوں سے، مشرف کی، پیپلز پارٹی کی، نواز شریف کی ساری، لیکن وہ انویسٹمنٹ آئی نہیں پاکستان کے اندر سوائے چند چیزوں کے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، جس طرح سے چودھری منظور صاحب بات کر رہے ہیں، ایک تو موجودہ حکومت کی سیریسنیس ٹورڈ دس پروجیکٹ، ان معاہدوں کی طرف، دوسری بات جو پریویس گورنمنٹ نے جو کچھ بھی کیا، ضرورت سے زیادہ تشہیر کی کام کرنے کی بجائے، اور اپنے جو اس معاہدے تھے سی پیک کے ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، دو چیزیں. اور تیسری بات یہ کہ جو انہوں نے گوادر کی بات کی کہ ابھی وہاں کا انفراسٹرکچر اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر ایک اتنی بڑی کانفرنس کر دی جائے. سر کیا کہیں گے، متفق ہیں آپ؟ کسی نہ کسی حد تک تو چودھری منظور صاحب درست فرما رہے ہیں کہ تشہیر ضرورت سے زیادہ ہوئی، اور جو کام پہلے کرنے کے تھے یا زیادہ اہمیت کے حامل تھے ان کو پیچھے کر کے صرف ایک بجلی کا منصوبہ ہی جو تھا اور انرجی کرائسس کو کرنے کے لیے سارا زور لگا دیے گا، ساری انویسٹمنٹ کو اردی کی، یہ اس حد تک درست ہے. لیکن جہاں تک ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیوروکریسی میں اور حکومت کسی کی بھی ہو، ایک لابی ہمیشہ موجود رہتی ہے، پرو امریکہ لابی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ تعلقات کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتی اور چائنا امریکہ کی طرف دیکھتی ہے. وہ ہمارے ہاں بھی موجود ہے. یہ جو رزاق داؤد صاحب کا بیان تھا، اس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی اس موقع پر کوئی بات کرنے کی کہ جی ہم ریوزٹ کریں گے. لیکن جو ہمیں پچھلے ہفتے چائنا میں جا کر معلوم ہوا، جو ملاقاتیں ہوئیں، جس سطح کی ملاقاتیں ہوئیں وہاں، یہ ہے کہ وہاں کوئی اس حوالے سے کوئی ایسی پریشانی نہیں پائی جاتی. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بات جو وزیر اعظم سے ہمارے وزیر خارجہ نے بات کی اور آرمی چیف نے یہاں آ کے جو بات کی، اس کے اندر کوئی ہمیں نہ رکاوٹ نظر آتی ہے، نہ کوئی تذبذب نظر آتا ہے، نہ کنفیوژن نظر آتا ہے. یہ ان کا آفیشیل ورژن میں بتا رہا ہوں آپ کو جو ہمیں معلوم ہوا. اب آگے بڑھنا کیا ہے؟ پہلے ہوتا یہ رہا ہے کہ ترجیحات جو حکومت کی ہوتی تھیں وہ سیاسی زیادہ ہوتی تھیں اور قومی اور معاشی کم ہوتی تھیں. اب ہمیں تھوڑا سا یہ نظر آ رہا ہے کہ اب قومی ترجیحات جو ہیں وہ آگے ہیں. یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اس کا ہمیں سیاسی فائدہ کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت ریاست کو اس کا کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا ہے اور رکاوٹیں نہیں آتی، تو میرا خیال ہے یہ جن مسائل کا ذکر چودھری منظور صاحب کر رہے ہیں یا اخبارات میں ہمارے ہاں میڈیا میں چلتا ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری یہ ہوگا کہ چائنا کو
मुकम्मल एतमाद होना चाहिए कि उनका एक एक पाई जो लग रही है वो महफूज है। बिल्कुल सही। जो इसके मकासद हैं ग्वादर पोर्ट को तरक्की देने के और वन रोड वन बेल्ट के जो मकासद हैं वो पूरे होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनेगा वो वाकईतन मुफीद होगा पाकिस्तान की और एशिया की तरक्की के लिए। बिल्कुल सही है। अगर तो ये हम एहतमाम कर लेते हैं तो फिर हमें कोई वजह नहीं है कि किसी किस्म का इज़्तिराब होना चाहिए। लेकिन अब उसी तरह अगर हम कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, एक कदम आगे दो कदम पीछे वाला, तो फिर जाहिर बात है सोचने की बात है। लेकिन उतना असल में नहीं हो सकेगा जितना फ्रेंडली माहौल बनाना होगा ऐसा। बिल्कुल सही, ये वक्त की आम जरूरत है। इजहारुल हक साहब, आज इमरान खान साहब ने कहा कि दोबारा आपके वजीर आजम को हाथ फैलाना नहीं पड़ेंगे किसी मुल्क के सामने, जब ये मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा इकोनॉमिकली और ये इकोनॉमी जो है इसकी स्ट्रांग हो जाएगी। सी पैक और स्पेशली ग्वादर की अहमियत को आप इस वक्त इस टाइम में किस तरह से देखते हैं गेम चेंजर के लिहाज से, और जब उस वक्त जब ऑपोजिशन भी सी पैक को लेकर तनकीद कर रही है इस हुकूमत पर? सुमेरा शुक्रिया। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि खलत मबहस बहुत हो रहा है, चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है और फ्रोई बातें जो हैं उन पर जोर दिया जा रहा है। देखें, ये जो ग्वादर है ये एक अलग है हमारा प्लान जो है। सी पैक से पहले भी ग्वादर का तैयारी हो रही थी और सी पैक के बाद भी ये रहेगी। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी बात करें, ये जो एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली है इसका सी पैक से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी बेसिकली दो हैं डायमेंशंस ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहली डायमेंशन तो ये है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान हुकूमत अपने इस आइडिया को सेल कर रही है कि ग्वादर हमारे पास एक बड़ी बंदरगाह है जो कराची का मुतबादल होगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये हांगकांग का भी मुतबादल हो, सिंगापुर का भी मुतबादल हो। आखिर उम्मीदें रखने से, प्लान्स रखने से तो कोई नहीं रोक सकता। एक तो इस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब था। और ये जो 26 ममालिक आए हैं उनका भी सी पैक से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर है तो सिर्फ चंद एक का है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसको हम सी पैक के साथ मुत्तसिल करके इसका जायजा लें। सर, मुल्की मईशत को, मुल्की मईशत को बूस्ट करने के लिए और जो इस वक्त मुल्की मईशत की सूरत हाल है उसके बारे में जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक इमेज डेवलप हो गया, दुरुस्त कह रही हैं। ओवरऑल जो हमारी मईशत है उसके सिलसिले में ये कॉन्फ्रेंस और ये आइडिया सेल करने का है। और दूसरी बात जो है कि सवाल सोचने का ये है कि दिस कॉन्फ्रेंस इज बींग हेल्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई सेनेट चेयरमैन बाई सेनेट, वाई ये वजारत तजारत क्यों नहीं कर रही, वजारत इतलात ने क्यों नहीं किया, इस पर भी सोचना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब से संजरानी साहब सेनेट के चेयरमैन मुंतखब होके आए तो उनको खास तौर पर अपोजिशन वाले कुछ थोड़ा सा प्ले डाउन कर रहे थे, उनको कुछ संजीदगी से ले नहीं रहे थे। ये कहा जा रहा था कि उनका तजर्बा नहीं है, वो सियासत में नौ मौज हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इसके जरिए सेनेट चेयरमैन ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि भाई मैं भी कोई जरूरी और अहम काम कर सकता हूं, मुझे इतना लाइक exactly सर बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूं कि ग्वादर मजमुई तौर पर हमारी मईशत और मुस्तकबिल के लिए एक संग मील की हैसियत रखता है। हमारी जो कमजोरियां इस वक्त सी पैक के हवाले से सामने आ रही हैं उनको ग्वादर के साथ नथी नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है सर, हुकूमती मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। सदाकत अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सदाकत साहब, खान साहब की कोशिशें यकीनन काबिले तारीफ हैं मईशत में बेहतरी लाने के लिए, ये कॉन्फ्रेंस भी बड़ी अहमियत की हामिल है। सर, आपको लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद और ममालिक का रुझान भी बढ़ेगा कि वो पाकिस्तान के साथ मुआशर इकतसादी तावन को बढ़ाएँ और जो एक इमेज बन गया है पाकिस्तान का ऑल ओवर द वर्ल्ड के महफूज इन्वायरमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, इस इमेज को ख़त्म करने के लिए भी मुआवन साबित होगी? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि दुनिया पिछले जो ये दो टेन्योर गुजरे हैं, ख़ासकर जो मुस्लिम लीग नून का टेन्योर गुजरा है, उसमें जो कुछ भी यहाँ पे लोकल हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा वो नापसंदीदा या बड़ा एक बुरा टाइम रहा। और दुनिया में इस वक्त एक ग्लोबल विलेज है और आपकी इम्पोर्ट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं पिछले 10 सालों के मुकाबले में कि जब तक आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएगी आपका करंट अकाउंट का खसारा कभी ख़त्म नहीं हो सकता और आपका जो डॉलर क्राइसिस है वो ख़त्म नहीं हो सकता। डॉलर क्राइसिस को आप वक्ती तौर पे तो किसी मुल्क से मदद लेके या आईएमएफ से मदद लेके चला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस मुल्क को सर्वाइव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान पर दुनिया ट्रस्ट नहीं करती थी,
लेकिन इतनी बड़ी एक सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर जो चाइना है और जो अमर्जिंग सुपर पावर है, वो अगर पाकिस्तान को इतना ज़्यादा सीरियस ले रही है और पाकिस्तान में ये सीपैक का मंसूबा कर रही है, तो इससे एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि वो अपना अपनी इन्वेस्टमेंट को जाके सेल आउट करे, अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पे जाके कॉन्फ्रेंसेस में जाए और एक फ्रंट फुट पे जाके लोगों को बताए कि अगर चाइना जैसा मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है और पाकिस्तान को अपना एज ए रूट ले रहा है तो वाई नॉट अदर्स। तो मेरा ख्याल है हम ये समझते हैं कि जैसे हमने कौम से कमिटमेंट भी किया है कि ये जो आप भीख मांगने का सिलसिला पिछले 10 साल जारी रहा जिसने पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी कर्जों के पहाड़ खड़े कर दिए, हम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी देंगे और वो स्ट्रेटजी होगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे एक्सपैट्स हैं उनसे पैसा लेके आएंगे और पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा करेंगे ताकि हमें ये भीख मांगने वाला काम ना करना पड़े और पाकिस्तान में आए दिन ये जो डॉलर क्राइसिस है, ये जो महंगाई है, कम अज़ कम इससे जान छुड़ाई जा सके। ठीक है रहीम अल्लाह यूसुफ जी, सब जिस तरह से यूरोपीय यूनियन में ताल्लुकात हैं, इस लेवल की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इकट्ठी होती हैं सब लोग, एशिया में भी सर ऐसे हो सकते हैं, कितनी मुफीद होगी रीजनल ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज? देखें हमारे खत्ते को जितनी ज़रूरत है इस तरह की कॉन्फ्रेंसों की और रीजनल कनेक्टिविटी की, मेरे ख्याल में और किसी खत्ते को नहीं है। सबसे कम जो तजारत होती है बाहम तजारत, बायलेटरल तजारत, वो हमारे खत्ते में है। बाकी आसियान को देख लें और यूरोपियन यूनियन को देख लें, हत्ता के जो GCC है उसको देख लें, तो ये तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक कमज़ोरी है कि आपस में ताल्लुकात ख़राब हैं और फिर तजारत भी नहीं। हालांकि तजारत अगर नज़दीकी ममालिक से होगी तो उसका सबको फ़ायदा होगा। तो ये इस तरह की जो एक सोच है कि रीजनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें रुकावटें जो हैं उसको दूर करना चाहिए और ज़ाहिर है ये आपस में ताल्लुकात बढ़ाएंगे, फिर बाहर से भी जो हैं इन्वेस्टर्स आएंगे हमारे खत्ते से, बाहर के जो ममालिक हैं। अब देखें जापान के पास इतना सरमाया है, उन्होंने भी पैसा लगाना है, उनको महफूज एक जगह चाहिए जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करें और वो ख़ास तौर पे जो उनका इलाका है फार ईस्ट वगैरह में, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। चीन को भी जगह चाहिए थी, वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे हमसाए में और अफ्रीका में जाकर भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है, बाकी मुल्कों में कुछ कम की है, लेकिन वो तकरीबन हर जगह पर उनकी सरमायाकारी हो रही है। और मेरे ख़्याल में ये जो हमारे वेस्टर्न ममालिक हैं उसमें बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उनको भी कोई महफूज जगह चाहिए। देखें इंडिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है और हमारे खत्ते में और ममालिक में, बांग्लादेश में भी हुई है, तो हमारे यहाँ पहले होती थी बाद में कम हो गई। अभी अगर हालात बेहतर हो गए हैं और उम्मीद है और बेहतर भी होंगे तो ये सरमायाकारी होगी। गवादर जो है वो ज़ाहिर है हमारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एक मौका है। आप देखें पाकिस्तान की हुकूमत कहती है, पाकिस्तान की हुकूमत का दावा है कि अभी तक सीपैक के हवाले से कोई 28 अरब रुपए की सरमायाकारी हो चुकी है, मंसूबे मुकम्मल हो गए हैं, यानी 22 मंसूबे उनका कहना है कि मुकम्मल हो गए हैं। अगर वाकई ऐसा है तो सीपैक के ऊपर तो काफ़ी काम हो गया है। अब सिर्फ चैलेंज ये है कि किसी एक दो मुल्कों को इसमें शामिल किया जाए। अभी तक कोई मुल्क रस्मी तौर पर सीपैक में शामिल नहीं हुआ। अफगानिस्तान तक सीपैक को आगे ले जाने के लिए भी फिलहाल कोई जो है बात आगे नहीं बढ़ी, तो मेरे ख्याल में हमें इसके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है। साहब ये जो चाइनीज अम्बेसडर हैं वो यहाँ लाहौर जब उनकी बात चाइना ये कहता है कि ये मनसूबा बेसिकली दो मुल्कों का मनसूबा है, इसमें शराकत हो सकती है लेकिन रहेगा फिर भी ये दो मुल्कों, दूसरा जो मनसूबा है उनका वो 6 मुल्कों का है और वो इसको बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं। अब उनकी ख्वाहिश ये है कि अफ़गानिस्तान इसमें शामिल हो, ईरान इसमें शामिल हो, सऊदी अरब इसमें शामिल हो। अगर पाकिस्तान में अमन होता है, दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गई हैं माजी में पिछले 10-15 साल में, एक करप्शन का इशू है, एक दहशतगर्दी का इशू। अगर हम दहशतगर्दी और करप्शन पर काबू पाते हैं तो फिर कोई वजह नहीं है कि अफगानिस्तान शामिल ना हो या सऊदी अरब शामिल ना हो। ईरान का अलबत्ता मामला कुछ मुख्तलिफ है कि वो अमरीका की पाबंदियों की वजह से
शायद उसको शामिल करना मुश्किल हो। रहीमला यूसुफ़ज़ई साहब का इस पर मैं कमेंट लेना चाहूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक लेनी है। जी जी सर, आपकी तरफ भी आऊंगी, क्योंकि ब्रेक के बाद हम यही वाला इशू जो है इसको कंटिन्यू करेंगे और ये भी बात करेंगे नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ, दोस्त ममालिक के साथ जो इस वक्त मुआहदे कर रहे हैं वो कितने मुफीद साबित होंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजीद बूस्ट करने के लिए और जो इस वक्त क्राइसिस है उससे निकलने के लिए। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले चौधरी मंजूर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, सर अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, इजहार साहब फिर आपकी जानिब भी आती है। अच्छा, दो बुनियादी बातें कहना चाह रहा हूँ। देखिए, पहली बात यह है कि इसको जो इस कॉन्फ्रेंस है इसको समझना चाहिए कि ये पीरियडिकल्स होती हैं, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो रखते हैं, और ये छः महीने पहले, साल पहले, मसलन आज अगर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई है तो अगली कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे ही अनाउंस किया जाएगा। सही। सो इसलिए इसका कोई उस तरह से, अगर ये पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है जिसमें पार्लियामेंटेरियंस एशियन आ रहे हैं, फिर इसका उस तरह से कोई हुकूमती ताल्लुक उस तरह से नहीं होता। लेकिन ये अगर उन्होंने गवादर चुना है तो ये एक बेहतर तरीक़ेकार है जो पाकिस्तान के अंदर उनको दिखाने का है। बेशक वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, लेकिन वो जाकर वापस बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमतों से, लोगों से कर सकते हैं। दूसरी बुनियादी बात, देखिए ये बड़े दोनों जो इश्यूज थे वो बड़े डेलिकेट इश्यूज थे। जब नेगोशिएट हो रहा था सीपैक, जरदारी साहब ने 13 विजिट किए थे, यहाँ पे मजाक उड़ाया जाता था कि उनको तो वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ने रिसीव करता। चाइनीज बुनियादी तौर पर कहते क्या थे कि आप जब तक गवादर हमारे हवाले ना कर दें तब तक आपने नाम नहीं लेना, अगर आपने नाम लिया इतना प्रेशर आ जाएगा कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सो दो स्ट्रेटेजिक मंसूबे उस वक्त थे जिससे अमेरिका हमारे साथ नाराज हुआ, ईरान गैस पाइपलाइन और गवादर। आज भी हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन ये इन द लॉन्ग रन अगर आप गौर करेंगे तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 में इंडिया ब्लू नेवी में अगर आ जाता है तो फिर भी जो इसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उसको देखने की जरूरत है, और ईरान गैस पाइपलाइन को देखने की जरूरत है। हम तो नहीं होंगे ओपन वाटर्स में, इंडिया चला जाएगा, तो सो इसलिए उस एंगल से देखने की जरूरत है इन चीजों को जो उस वक्त हमने की थी सामने रखकर। दूसरी एक बलूचिस्तान की भी शिकायत है, अभी तक सिर्फ $10 मिलियन से ज्यादा जो है वो बलूचिस्तान में एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। चाइना भी इस वक्त किसी जल्दी में नहीं है, सो हमें भी थोड़ा सा संभल के, होश के साथ और बहुत सोच समझ के चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें कोई जल्दबाजी या इस किस्म के जो बयानात रज़ाक दाऊद का आया था उसको सीरियस लेने की जरूरत है। मेरा ख्याल है उससे बाजपुरुष होनी चाहिए थे कि आपने किसके, और वो कोई पाकिस्तानी किसी छोटे मोटे अखबार में नहीं है, फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर है, और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मेरी भी बात हुई है लोगों से। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक बात, ये अभी चौधरी साहब, ये अभी पिछले हफ्ते मैं चाइना में था, जो 2-3 बड़ी ब्रीफिंग्स हमने की हैं, उन्होंने कहा कि अफगान बलूचिस्तान के हवाले से, एक तो कानकनी के हवाले से एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और वो ऑफर कर रहे हैं और हमारी शायद नेगोशिएशन चल रही हैं। दूसरा ये है रेलवे के हवाले से, और तीसरा एनर्जी के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान पर फोकस्ड हैं वो, और हम भी फोकस्ड हैं। तो मेरा ख्याल है एक बड़ी इन्वेस्टमेंट शायद ये, जब चाइना जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, तो शायद उसमें एक मुआहदा जो है, ये अच्छी बात है, बलूचिस्तान के हवाले से भी कि खुशखबरी होगी। बिल्कुल, इज़हार साहब जो स्टेप्स ले रहे हैं इस वक्त खान साहब मुल्की मईशत को फिक्रा मुझे कह दीजिए। सिर्फ देखिए, बुनियादी जो हमारी नेगोशिएशंस हो रही थी ना, वो हो रही थी जो जिस पे हमें दुनिया पैसे नहीं दे रही, भाषा पे, दासू पे, बूंजी पे, ये बेसिक नेगोशिएशंस थी कि उससे वाटर रिजर्वायर्स भी होने थे और बिजली भी पैदा होनी थी सस्ती, और वो ये उठाकर ये तेल वाला, देखिए जब तक हम तेल पे रहेंगे, ये बिजली बनाते रहेंगे, तब तक जो है वो तबाही है। और जो जो इम्पोर्ट्स हैं, जब तक एक्सपोर्ट उससे नहीं बढ़ती तब तक आप हम मांगते रहेंगे, बाकी जज्बाती बातें हम जितनी मर्जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इजहार साहब, मैं बात कर रही थी कि जो स्टेप्स इस वक्त खान साहब ले रहे हैं मुल्की मईशत को अपलिफ्ट करने के लिए, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं या अभी जो हालात दरपेश हैं पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म हल के लिए हैं?
जी मैं अर्ज करता हूँ, मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई साहब का जो बयान है उस पर मुझे कमेंट करना था। प्लीज सर, प्लीज सर। उस कमेंट को अब उनका जो बयान है उसको तो लगता है कि इतने दिन गुजर गए। बहरहाल इन्होंने फरमाया है बिल्कुल बजा तौर पर साउथ एशिया के हवाले से, आसियान का भी इन्होंने जिक्र किया कि सरमायाकारी जो है वो बुनियादी मसला है। और इरशाद आरिफ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि दहशतगर्दी जो है वो बड़े असबाब में से एक सबब है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमारे यहाँ डेटर कर रही है, रोक रही है। यहाँ मैं ये अर्ज़ करूँ कि सिर्फ दहशतगर्दी नहीं, असल मसला हमारी रेपुटेशन का है और दुनिया हमारे बारे में तअस्सुर क्या ले रही है। अगर हमारे यहाँ ऐसे ग्रोह मुसलसल पनपते रहे जिनके बारे में सारी दुनिया कहती है कि आप इन पर पाबंदी लगाएं, तो हम उन पर कभी पाबंदी लगाते हैं, कभी कहते हैं कि फलाना प्रेसिडेंशियल आर्डर लैप्स हो गया है, और ये भी नहीं पता उनका ज़रिया माश क्या है और वो किस हवाले से काम कर रहे हैं, किस हैसियत से। तो ये जो हमारी रेपुटेशन और ख़राब शोहरत और ये एक मनफी तासुर है, ये मुसलसल हमारे लिए पेचीदगियाँ पैदा करता रहेगा। सरमायाकारी वहाँ होती है जहाँ कोई इस किस्म के शकूक शुबहात ना हों। अब मैं आता हूँ आपकी उस बात की तरफ के जो हमारे बाईलैटरल जो इमरान खान साहब मलेशिया से, चाइना से और दूसरे मुल्कों से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो बाईलैटरल दो तरफा वायदे हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। इससे पहले हमारा मलेशिया के साथ ऐसा वायदा नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि ऐसे जितने भी वायदे होंगे वो हमारे लिए तकवीत का बायस होंगे, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये मुआहदे जब हम करें, ये मुआहदे जब हम तय करें तो उनको पूरा करें, और जितने अरसे पर वो मुहित हैं उनमें जो शिकें हैं, जो उनमें जो क्लाजेज हैं, वो हम सारे बरुए कार लाएं, तब हमें उनका सही फायदा होगा। ठीक है सदाकत आबासी साहब, पहले सऊदी अरब, चाइना, यूएई, मलेशिया से मुआहदे होने जा रहे हैं, आईएमएफ के पास इन मुआहदों से पहले जाना और बाद में जाना, सर कितना रिलीफ होगा शराइत के हवाले से, और आईएमएफ की तरफ से जो है वो कितना रिलीफ मिलेगा शराइत के हवाले से? कमी भी आएगी कि कितनी मालियत का कर्ज पहले लेना था और कितनी मालियत का इन तमाम मुआहदों के बाद लिया जाए? देखें, जहाँ तक आईएमएफ की बात है, आईएमएफ के कर्ज़े दुनिया के सबसे आसान तरीन इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट सबसे सस्ते कर्ज़े होते हैं। लेकिन जो आईएमएफ शर्तें लगाता है, शराइत लगाता है, वो उस इकॉनमी की रीपे करने की कैपेसिटी पे लगाता है। अगर हमारे पिछले 10 साल में हम बार बार कहते हैं कि जी बड़ा हमारे इस मुल्क के साथ ज्यादती हुई, हमारे मुल्क के साथ इंटरनली और एक्सटर्नली इतना ज़्यादा खसारे आ गए कि हम इंटरनेशनली एक कर्ज़ यानी ना वापस करने वालों की लिस्ट में आ गए थे। लिहाजा दो तरह की चीज़ें, एक तो इमिजिएट आपको फौरी तौर पे इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए आपको पैसे चाहिए, जिसके लिए आप इन मुल्कों से शॉर्ट टर्म के लिए आप पैसे ले रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनके साथ जो हम वायदे करने जा रहे हैं वो इनके साथ एक म्यूचुअल डिपेंडेंस है। सही। हम इनके साथ हमारा गवर्नमेंट का ये प्लान है कि जिस तरह यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज ने मिल के आपस में बायलैटरल अग्रीमेंट कर लिए थे कि चीज़ों की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर ड्यूटीज़ कम करके आपस में एक ट्रेड का एक रिलेशनशिप बिल्ड किया करना चाहते हैं। बिकॉज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो इतना फ़र्क है वो फ़र्क बहुत बड़ा है, उसके लिए खाली एक्सपोर्ट करने से आपका आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बिकॉज एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बाहर ढूंढने होते हैं, दुनिया में बहुत मुकाबला है, हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारी बिजली बहुत महंगी है, हमारे यहाँ बाकी बड़े यानी कंपेटिटिवनेस के इशू हैं, इसलिए बेस्ट यह है कि दुनिया को हम यहाँ पे अट्रैक्ट करके लेकर आएं, और उसके लिए ये हमारी गवर्नमेंट पूरा प्लान रख दिया है कि आपको इंशाल्लाह 3 महीने में इकॉनमी को सस्टेन करके बताएंगे, अगले 3 महीने में आपको इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की हम आपको यहाँ पे वाजे इंडिकेशन नज़र आएंगी, और देन इंशाल्लाह 6-8 महीने के बाद आपको इकॉनमी सही अपने, और हम डरते नहीं हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हम पोलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं लेकिन मुल्क की मईशत को सही ट्रैक पर लाने के लिए मुश्किल फैसले कर रहे हैं जिनके हमें सियासी रिपरकशन भी हैं, हमें हुकूमत जो है वो गैर जमहूरी होने के ओपोजिशन ताने भी देती है, लेकिन हम समझते हैं अगर माजी में ये काम होता तो आज जिस मुश्किल में हम जिस मुश्किल में हैं शायद इस मुश्किल में हम ना होते, लेकिन माजी में कॉम्प्रोमाइज फैसले और हुकूमतों के अपने मसाइल, उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट, उनकी अपनी कुछ डीली डैली और कुछ
अनफेयर डील जो है उसकी वजह से पाकिस्तान आज साहब जैसे अपोजिशन की बात कर रहे हैं सदाकत साहब, अपोजिशन तनकीद कर रही है, भीख मांग रहे हैं दूसरे ममालिक से, हमने कशकोल तोड़ा और ये जो है वो फैला रहे हैं कशकोल, IMF से कर्ज लेने पर भी तनकीद कर रही है अपोजिशन, अब खुद कर्ज ले रहे हैं। खान साहब ने जो मुआहदे किए हैं इशाद साहब, आप क्या समझते हैं कब तक मुअसर होंगे? मेरा ख्याल है ये तो जो दो चीज़ें हैं ना इसमें, एक तो है इन्वेस्टमेंट का इशू, वो तो ज़ाहिर बात है एक दिन में या एक महीने में हफ्ते में नहीं होगा, वो आगाज़ होगा, वक्त लगेगा। एक है जो उन्होंने डॉलर पार करने हैं या हमें तेल देना है, वो तो मेरे ख्याल फौरी तौर पर हो चुका होगा और हो जाएगा। तेल की जो हमारी ज़रूरतें हैं जिस अंदाज़ में पहले जो हमने ऑर्डर्स किए हुए होंगे वो मिलना शुरू हो जाएगा और डेफर पेमेंट पे मिलेगा, अदायगी हम एक साल के बाद करेंगे, वो देखा जाएगा। तो वो तो फौरी होगा और उसी यानी अगर वो ख़बर आती है और आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है ऊपर चला जाता है और उसके बाद डॉलर की कीमत 2 रुपये 2.5 रुपये कम हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो सरमायाकार है उसको ये एतमाद है कि इसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी मुस्तकम हो रही है। लेकिन बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि ये चीज़ें करके हम फौरी रिलीफ ले रहे हैं। आगे देखना यह है कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है नहीं आती, पाकिस्तान के जो कारखाने बंद पड़े हुए हैं वो चलते हैं या नहीं चलते, ब्यूरोक्रेसी जो एक लाल फीता लेके बैठी हुई है उस पे रोकथाम होती है, इन्वेस्टर का एतमाद बहाल होता है नहीं होता, जो नाअहली काम चोरी का एक कल्चर पाकिस्तान में बना हुआ है, किसी सतह पे किसी इदारे में काम ही नहीं हो रहा, वो कल्चर ख़त्म होता है, उसके अंदर एक वाज़े कमी महसूस होती है नहीं होती, ये वो बुनियादी काम है। ये अगर अगले 2 महीने में 3 महीने में 4 महीने में नज़र आते हैं तो फिर लाजमी तौर पर एक एतमाद बहाल होगा और एक मुल्क का सही रास्ते पर चल निकलेगा। लेकिन बाकी मामलात अगर उसी तरह के उसी तरह रहे और सिर्फ हम चीन से मलेशिया से सऊदी अरब से कर्ज लेके और IMF से कुछ कर्ज लेके गुजार लें तो ये फिर कोई मसले का हल नहीं है। जिन कौमों ने भी तरक्की की है वो अपनी मेहनत के बलबूते पर कह रहे हैं, अंदरूनी हालात अगर बेहतर नहीं होंगे तो बिल्कुल सही जो हमें हर सतह पर करनी पड़ेगी। रहीम मुल्ला साहब, मुल्की मईशत के लिए जो वजीर आजम दोस्त ममालिक से मुआहदे कर रहे हैं, पिछली हुकूमतों ने जो पैकेजेस लिए इन तमाम सूरत हाल को इसको मद्देनजर रख के या मुआहदे किए पिछली हुकूमतों ने, उनमें डिफरेंस सर किस तरह से देखते हैं, मुख्तलिफ किस तरह से है मौजूदा और प्रीवियस, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए इस तरह से वजीर आजम खुद मुतहर्रिक हैं, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए मेरे ख्याल में हर हुकूमत ये कहेगी कि हमने अच्छा काम किया, हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया, और मेरे ख्याल में जो सूरत हाल आजकल है शायद इतनी सूरत हाल गंभीर पहले नहीं थी। यानी जिस तरह ख़ुद वज़ीर आज़म ने कहा कि वी आर डेस्परेट और उन्होंने उसके उनके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई कि आपने ये बात कह दी तो ये तो एक गलत पैगाम गया पाकिस्तान के बारे में, तो लगता है फिर यही है कि सूरत हाल बड़ी ही ख़राब है, इसलिए वज़ीर आज़म खुद जा रहे हैं सऊदी अरब, वो 2 बार गए और वहाँ से कुछ ना कुछ ले आए। अब मलेशिया का कभी हमने नहीं सुना था कि मलेशियन भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या मलेशियन से हमें कोई पैसे मिल जाएंगे, वहाँ पर भी कोशिश हो रही है। चीन तो ज़ाहिर है जाना था और फिर UAE है और कुछ अरब ममालिक छोटे, कुवैत से तवक्को होनी चाहिए थी लेकिन कुवैत से ताल्लुकात हमारे बेहतर नहीं हो सके। कतर के पास पैसा है लेकिन कतर ने 10 अरब डॉलर तो तुर्की को दे दिए, तुर्की की मईशत ख़राब हुई, उनका जो उनकी करेंसी है लीरा उसकी कीमत बहुत गिर गई, तो कतर ने तुर्की को 10 अरब डॉलर दिए हैं, मेरे ख्याल में हमें भी शायद कुछ दे दें। तो मेरे ख्याल में ये जो रकूम आ रही है जिस तरह इरशाद साहब ने कहा, यहाँ पे एक एतमाद पैदा हो रहा है। पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि नहीं, पाकिस्तान कर्जा वापस न करने वाला मुल्क नहीं है बल्कि पाकिस्तान कर्जा वापस करेगा, इसलिए लोग इसको कर्जा दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोशिशें जो हैं बिल्कुल काबिल सताइश हैं और थोड़ा सा ये करना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट रखें इसको, बिल्कुल साफ रखें। ये जो एक इल्ज़ाम लग रहा है कि सऊदी अरब से क्या वादे हुए, ये जो उन्होंने हमें इमदाद दी है, तो इसके हवाले से वजाहत तो आ गई है लेकिन
ज़ाहिर है हिज़्ब इख़्तिलाफ़ को जब भी मौका मिलेगा तो वो इस तरह का इल्ज़ाम लगाएंगे। सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, सिरासिल गुफ्तगू रही है आपसे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि एक तरफ अगर मौजूदा हुकूमत इकानमी को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, मुल्की इमेज को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानब अपोजिशन जो है वो भी अपने काम में लगी हुई है। APC बुलाई जा रही है और हुकूमत के खिलाफ जो है वो कुछ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कस करते हैं। ब्रेक बाद खुश आमदेद नाज़रीन। चौधरी मंजूर साहब, कल जरदारी साहब ने जो कॉन्फ्रेंस की, एहतसाब के अमल से घबरा क्यों रहे हैं जरदारी साहब? होने दे, जो होना है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा खुद ही। और पीपल्स पार्टी ये जो APC है, इसको कितना सीरियस ले रही है, एजेंडा ही मालूम नहीं है, तो फिर शिरकत क्यों कर रहे हैं? और अब आपने देखा है कि नवाज शरीफ साहब ने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया आने के लिए APC में, अब जरदारी साहब आएंगे या फिर वो भी सिर्फ वक्त भेज देंगे? अच्छा, देखिए, पहली बात यह है कि जो लोग पीपल्स पार्टी को नहीं समझते वो ऐसा सवाल करते हैं कि घबरा क्यों रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो तब नहीं घबराई जब हमें कोड़े, फांसियां, जेलें, क्या नहीं किया गया इस पीपल्स पार्टी पे। और मैं आज सोच रहा था कि क्या फ़र्क था बेनज़ीर भुट्टो में और आज मियां नवाज शरीफ साहब में। वो कह रहे हैं कि मैं गम में हूँ, मैं कोई बयान भी नहीं देना, मैंने पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करनी। फ़र्क ये था कि बेनज़ीर भुट्टो के बाप को कत्ल कर दिया गया, माँ को लाठियाँ मारी गईं, वो नहीं, वो फिर भी लड़ती रही। एक भाई को कत्ल किया, लड़ती रही, दूसरे भाई को कत्ल किया, लड़ती रही, उसके सैकड़ों कारकुनों को कत्ल किया गया, हज़ारों को कोड़े मारे, वो लड़ती रही, फिर भी उसके खामद को 11.5 साल जेल रखा। वो बेसिकली बेनज़ीर भुट्टो की वजह से था ना। सो आज भी हम, लेकिन चौधरी साहब कोई एजेंडा भी तो नजर आए ना, कोई एजेंडा नजर आए तो मियां नवाज शरीफ आने की हामी भी भरे ना। मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मेरी गुजारिश, मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को तो देखना है कि वो उन्होंने आना है नहीं आना, उन्होंने पॉलिटिक्स क्या करनी है क्या नहीं करनी, वो फैसला उन्होंने करना है। हमारा इशू नहीं है, रिजर्वेशन हमारी है नवाज लीग के ऊपर, उनकी हमारे ऊपर नहीं है रिजर्वेशन, चूंकि इशूज हमारे हैं, केसेस हमारे ऊपर है, ये नैब के केसेस नहीं है, ये FIA के केसेस, FIA वजारत दाखिला के मतहत होती है। वजारत दाखिला जो है वो वज़ीर आज़म के ज़रिए उसने एक्ट करना है, वज़ीर आज़म रिस्पॉन्सिबल होता है, और अब तो खसूसी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रखी है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा सिर्फ एक इशू है, अगर ये फेक अकाउंट है तो सबके फेक अकाउंट है, अगर ये ट्रेड अकाउंट है तो सबके ट्रेड अकाउंट है, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग के अकाउंट हैं तो सबके हैं। जहांगीर खान तरीन साहब के भी उनके ड्राइवर और कुक के नाम पर है अकाउंट खुले हैं, उसमें भी ऐसे ही अकाउंट्स हैं, उसमें भी ट्रेडिंग हुई है, उसके लिए JIT क्यों नहीं बन रही, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक जैसा सलूक ना हो रहा हो तो फिर मोटिव्स होते हैं उसके पीछे किसी को तंग करने के, तो वो मोटिव्स क्या हैं? उसमें इजहार एक का उन्होंने कर दिया, दूसरे का मैं कर देता हूँ, हमारा बाजू इसलिए मरोड़ा जा रहा है 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड, चूंकि हम बैठे हैं CCI के अंदर, हमारा चीफ मिनिस्टर बैठा है, वो अगर नो कर दे तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 5 लोग हैं जिनके पास वीटो पावर होता है, 4 चीफ मिनिस्टर और 5वां प्राइम मिनिस्टर। सो जो CCI के अंदर NFC अवार्ड सबसे पहले डिस्कस होना है, NFC अवार्ड पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको, और फिर बाकी चीजों पे है। सो हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, केसेस पहले भी रहे, जेलों में रहे, तशद्दुद, जुबानें काटी गई, लेकिन हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप भी फेस करेंगे। जरदारी साहब ने तो जरदारी ग्रुप को जो ओमनी ग्रुप से आया 3 करोड़ रुपया, उसका जवाब देना है, और जरदारी साहब तो 2008 में छोड़ गए थे, कोई कोई ग्रुप के मेंबर्स भी नहीं थे। जो सर, एक थोड़ा सा अगर आपके इल्म में हो, ये मौलाना फजल रहमान की चूँकि मुलाकात भी हुई है, वैसे तहफ़ुज़ात क्या हैं नवाज शरीफ साहब के जो उस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहे? कुछ मौलाना फजल रहमान ने बताया आपके इल्म में है कि वो क्यों नहीं आना चाहते, कोई मजबूरी है या कुछ रिजर्वेशन है? नहीं, वो कह रहे हैं कि वो देखिए ना, वो APC के अलावा वो कोर्ट के बाहर स्टेटमेंट्स भी नहीं दे रहे, और मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा की डेथ से को 10 दिन पहले जो थे वो उनकी तरफ से या उनके वो टोन डाउन हुए
चीज़ें, जब भी उनसे पहले अदालत में आते थे जेल से तो तब भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे। उनकी डेथ के बाद उन्होंने कोई सवाए मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के और एक मीटिंग बुलाने के, वो अभी उस फेज से बाहर नहीं आए। ठीक है। और या इसको अगर कोई सियासी मानी पहनाना चाहता है तो वो अपनी सियासी मानी भी पहना सकता है, ठीक है, कि वो बिल्कुल नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, और थोड़ी टोन डाउन है नून लीग भी, थोड़ी टोन डाउन बिल्कुल वो नजर भी आ रहा है, जैसे वे सियासी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सदाकत साहब, नहीं, एक सवाल, अगर वो नहीं आते तो फिर जरदारी साहब या बिलावल साहब शरीक होंगे या वो भी डेलीगेशन भेजेंगे, क्या वो शरीक होंगे या फिर डेलीगेशन आपकी पार्टी का? नहीं, देखिए बिलावल साहब का तो था ही नहीं, बिलावल साहब का तो अभी था ही नहीं कि वो जाएंगे, साहब की हद तक था तो वो कोई इशू नहीं है उनका। उनका देखिए अभी ये फैसला उन्होंने खुद ही करना है, उन्होंने खुद करना है फैसला कि डेलीगेशन जाएगा या वो खुद जाएंगे। एपीसी को आप कोई इत्तेहाद, देखिए आप एपीसी को अभी ये ना समझे कि कोई अलायंस है, अलायंस नहीं है सर, वो तो खुद कह रहे थे कि अभी एजेंडा तो वहां जाकर ही पता चलेगा ना, वो तो जब एपीसी बैठेगी तो तभी पता चलेगा। सदाकत साहब, आपके जाने माना चाहूंगे मैं, जैसे एमआरडी थी, एआरडी थी, जीडीए था, वो अलायंसेस थे, ये कोई अलायंस नहीं है, अलायंस नहीं है, लेकिन इस एपीसी का लेवल मुतय्यन होगा ना, वो तो सर तभी पता चलेगा ना जब मिल बैठेंगे। सदाकत साहब, जरदारी साहब ने कहा था कि मैंने एनआरओ नहीं मांगा, ये लड़ाई सिर्फ 18वीं तरमीम की है। खान साहब जो बार बार एनआरओ की बात कर रहे हैं तो अंदर कोई पैगामात तो मौसूल नहीं हो रहे इस हवाले से, जो बार बार खान साहब वार्निंग दे रहे हैं, और जो मुमकिन इत्तेहाद है वो प्रेशराइज कर सकेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं, ये एक और सवाल सदाकत साहब, ये भी देखें बात इस तरह है कि जी सदाकत साहब एक सेकंड, एक सवाल मेरा भी ऐड कर लें जी, जी। क्या उनको कोई पैगामात मिल रहे हैं या उन पर कोई प्रेशर है अंदरूनी या बैरूनी जिसको वो रिलीज कर रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा? देखें दो बातें हैं, पाकिस्तान की आप सियासी तारीख उठा के देख लें कि दो हमारे यहाँ टेन्योर आए जो जमहूरी थे और तीसरी गवर्नमेंट आई है, एक एक पार्टी की थी, उसके बाद वो पार्टी हार गई, दूसरी आ गई, अब तीसरी आ गई, जो बाहर आप अगर इलेक्शन कैंपेन देखें तो बड़ी वाजे नज़र आ रही थी। तो इस हुकूमत ने आते ही इन्होंने, यानी कि इनको ये पता था कि ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है ये शायद इनका सबसे बड़ा जो एक नैरेटिव होगा या नारा होगा या जो इनका एक टारगेट है वो एहतसाब है, बिकॉज हमें लोगों ने वोट इसीलिए दिया। तो आप देखेंगे शुरू में इन्होंने आके एक वावेला किया जी कि जी हमें इलेक्शन पे मतलब जो है ना वो ऑब्जेक्शन है, तो इनका ख्याल था कि यहाँ से कोई ना कोई सियासत निकलेगी। वो बहरहाल हमारी गवर्नमेंट ने कहा जी ठीक है आए बैठे आप कमीशन बनाएं, वो कमीशन बन गया इनका। उसके बाद आप पाकिस्तान की तारीख देख उठा के देख लें कि 30-35 दिन की हुकूमत थी तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया जी कि हुकूमत फेल हो गई, ये तो गैर जमहूरी है, और ये सारी बातें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि ये दोनों पार्टीज इससे पहले माजी में बड़े खुले होके एक दूसरे को इन्होंने करप्ट कहा, एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए और यानी जलसे किए, जुलूस किए, तहरीकें चलाईं कि ये करप्ट हैं, और जरदारी साहब को मियाँ साहब ने कहा और मियाँ साहब को जरदारी साहब ने कहा। ये पहली दफ़ा ऐसा है कि ऐसी गवर्नमेंट आई है जिनको इनको पता कि ये मनूवरिंग यहाँ नहीं होगी, या तो इमरान खान साहब जो एक परसेप्शन इन्होंने बनाया था कि जी हम प्रेशर डाल रहे हैं, हम हुकूमत को गिरा रहे हैं, तो उनका ख्याल था कि ये जो प्रेशर डाल रहे हैं ये इसलिए है कि ये बैठ के हमसे कोई बात करें। और जिस तरह माजी में ये हुआ कि केसेस जो है वो चलते रहे लेकिन केसेस की जान ख़त्म हो गई, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर हो गई, और कुछ केसेस जो बनने हैं, कुछ तो चल रहे हैं अदालतों में, कुछ किसी से भी बनने हैं, उस पर मेरा ख्याल है ये बार्गेन करना चाह रहे हैं। बाकी मौलाना फजल रहमान जो है वो पिछले 19-20 साल से यहाँ मजे करते रहे यहाँ पार्लियामेंट में और कश्मीर कमेटी में, और पहली दफा उनको वो बाहर हैं तो उनकी तो तकलीफ उनकी समझ आती है कि वो दोबारा किसी तरह इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को ये समझ आ गई है कि इनके खिलाफ अब हाथ जो है वो कमजोर नहीं होगा, इसलिए ये सियासत कर रहे हैं, ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि किसी तरह हुकूमत बैठ के एक जुमला जरदारी साहब ने कल कहा कि उन्होंने इससे पहले तो कोई एनआरओ लिया ही नहीं, और वो ये नहीं, आप ये समझ लें इसका मतलब है ना उन्होंने कभी पहले एनआरओ लिया ना वो आप चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि पहले भी एनआरओ है वही अब एनआरओ है। चौधरी साहब ने बात क्लियर कर दी है कि मांगा नहीं। इजहार साहब, मौजूदा सूरत हाल को देखकर एक बार फिर से यही लगता है कि ऑपोजिशन प्रेशराइज प्रेशर जो है डेवलप नहीं कर सकेगी जी। मेरा एक मिनट मुझे दीजिए जी जी, सॉरी इजहार साहब, सॉरी मैं सिर्फ दो, एक तो जरा अब्बासी साहब परसों जो रिलीज हुई है यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन पे रिपोर्ट, जरा उसको मुलाजा फरमा लें। जो यहाँ की अपोजिशन कहती रही है वो उन्होंने उस पर मोर सबत कर दी है इलेक्शन पे, तो अब उस पर फिर किसी वक्त आपकी पार्लियामानी कमेटी है। दूसरी बात यह है,
दूसरी बात यह है, दूसरी गुजारिश यह है कि देखिए आप पीपल्स पार्टी को समझने की कोशिश कीजिए। हम आज भी कह रहे हैं, मैं आप रात को भी मैंने आपको कहा, हम रोज कहते हैं भी हम नहीं गवर्नमेंट को गिराना चाह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है आपका मौकिफ आ गया, प्रेशराइज नहीं कर पा रही है हुकूमत को इजहार साहब, एक बात ये। और दूसरी बात बड़ा अहम सवाल है मैं आपसे करना चाहूंगी इजहार साहब, की जो सिटीजन पोर्टल है आप मुतारिफ करवाई गई आज, ये गवर्नेंस कहा जा रहा है इसको, गुड गवर्नेंस के लिए कितनी मुफीद साबित होगी, कितनी फ्रूटफुल साबित होगी करप्शन को का तायुन करने के लिए और जो मसाइल हैं इदारों में उनका तायुन करने के लिए? देखिए इसके बारे में अभी कुछ कोई पेशगोई नहीं की जा सकती, ये नया आइडिया है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, खुश आइंद है, लेकिन हमें इसका देखना पड़ेगा। हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरे महजब और डेवलप्ड मुल्कों से हम इंस्टीट्यूशंस तो ले आते हैं लेकिन हम उसको प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इसकी कामयाबी इस पर है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, आवाम को कितनी सहूलत दी जा रही है। ठीक हो गया। अब मैं एक और बात की तरफ कहूंगा कि ये जो हमारे मोहतरम मंजूर साहब ने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा। सम हाउ गलत या सही, राइट और रॉन्ग, ये इंप्रेशन हो रहा है खासतौर पर तरीन साहब के हवाले से, ये कहते थे कि फलाना नाअहल हुआ है तो क्यों पार्टी में काम कर रहा है। तो इमरान खान साहब की हुकूमत को इस बारे में बहुत संजीदगी से काम करना चाहिए कि ताकि पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, किसी को ये कहने का मौका ही ना मिले कि अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, किसी तरफ झुकाव है, किसी तरफ मैलान ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन का इजलास है ये तो शुरू होने से पहले ही टूट रहा है, सही कह रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी नहीं आ रहे, लेकिन इसमें आप देखें इसके तीन जावी हैं, एक तरफ फजलुर रहमान साहब खड़े हैं, एक तरफ पीपल्स पार्टी है, एक तरफ नून लीग है, सही कह रहे। अब फजलुर रहमान साहब की पोजीशन जो है वो इन दोनों की निस्बत ज्यादा कमजोर है। नून लीग के पास पंजाब में अच्छी खासी जमीयत है, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, फजलुर रहमान साहब को कुछ भी नहीं मिला सिवाय उनके साहबजादे के अंदर आने के, जिस पर वो मुतमैन नहीं है। तो वो असल में इन दोनों पार्टियों को बरंगेख कर रहे हैं, इनको उकसा रहे हैं, उनको यूज करना चाह रहे हैं, और मुझे हुकूमत मिले, सही है, हाँ मुझे हुकूमत मिले या ना मिले, इनको इनसे हुकूमत ले। सही तो है, मैं नहीं समझता कि ये एक बहुत इजाज साहब आपका पॉइंट आ गया। जी जी इरशाद साहब आपके ऐड करना चाहेंगे। देखिए मैं इजाज साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो एहतसाब हो रहा है अब ये नतीजा खेज होना चाहिए। एक तो सिर्फ गिरफ्तारियों की हद तक कुछ केसेस के यानी अदालतों में जाने भी चाहिए रेफरेंसेस, एक बात। दूसरा ये है कि जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं या हुकूमत में शामिल लोग हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके खिलाफ़ भी एक भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये दुनिया को तासुर मिले कि ये एहतसाब का इदारा एक आज़ाद इदारा है और ये किसी भी इम्तियाज और तफरीक के बग़ैर काम कर रहा है और इसमें हुकूमत का कोई असर रसूख है, ताकि अपोजिशन को भी ये कहने का मौका ना मिले कि जनाब हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये अब तासुर कायम करना नैब की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये जब तक नहीं होगा तो फिर ये शकों कुछ बात फैलाए जाते रहेंगे। लेकिन सदाकत सर क्या कहेंगे, आप भी समझते हैं कि इक्वल हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है? उनको तो एनआरओ दिया जा चुका है। हमारा तो बड़ा आराम से बड़ा वाजे मौकफ है, बड़ा वाजे मौकफ है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आज अगर शोर कर रहे हैं तो ये कानून इनके दौर से गुजरा है, और अगर आज ये कानून तब्दील करना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं, हम बैठ के कानून को और अच्छा बना सकते हैं, लेकिन पहले आप ये पब्लिकली माफी मांगे कि आपने नैब का चेयरमैन लगाए, आपने वो दोनों पार्टियों ने मिलकर लगाए, आपने कानून में कोई तरमीम नहीं की, आज उसी कानून के तहत जब आपको पकड़ा गया या पकड़ा जा रहा है या खतरा है कि आप पकड़े जाएंगे तो आप वावेला कर रहे हैं। जहां तक जहांगीर तरीन साहब के बारे में बात हुई, अगर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ फैसला, बहुत शुक्रिया सुमैरा मिर्जा को, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।